minimization problem can be solved. In the usual manner. कन्फर्म अभी नहीं समझे, मैं बता दे रहा हूँ। जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन होगा, दिया गया होगा एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सबसे पहले जो हाईएस्ट कास्ट होगा, उस हाईएस्ट कास्ट से सभी कास्ट को क्या करेंगे मिनिमम करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो मैक्सिमाइजेशन से क्या करेगा वो, मिनिमाइज। और इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, जो मेथड आपको पढ़ाया गया उस मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यही करना है उसमें, मतलब इस मेथड में ये पता फाइंड आउट करना है कि जो हमें प्रॉफिट हो वो क्या हो, मैक्सिमाइज हो, ठीक है। तो इसको इसमें आपकी बुक में थोड़ा टेढ़ा दिया हुआ है, ये सबसे आसान सा मेथड है जिसमें जिसको लगाया गया है। एक क्वेश्चन देखिए, इस मेथड से एक क्वेश्चन लिखिए, इसमें है क्या कोई क्वेश्चन, उसी को करवाया जाए। देखिए, देर आर थ्री फैक्ट्रीज, कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी कॉमा कैपिटल सी, हो गया। विच सप्लाई गुड्स टू फोर डीलर फोर डीलर्स D1, D2, D3 and D4। हो गया, फुल स्टॉप। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दीज फैक्ट्रीज आर, द प्रोडक्शन कैपेसिटीज ऑफ दीज फैक्ट्रीज आर 1,700 and 900 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। 1,700 and 900 यूनिट्स पर मंथ रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द डीलर्स आर, द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द डीलर्स आर 900 हो गया कॉमा 800 कॉमा 500 एंड 400 यूनिट्स पर मंथ, हो गया यूनिट्स पर मंथ। द यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर गिवन बिलो,
द यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आर गिवेन बिलो. लिखिए ए बी सी डी वन डी टू डी थ्री डी फोर सिक्स 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 फोर फोर टू फोर फाइव फाइव सिक्स सेवन एट. कैपेसिटी एंड डिमांड या रिक्वायरमेंट. कैपेसिटी या रिक्वायरमेंट क्या है? 900, 800, 500, 400. यहाँ क्या है? 1000, 700, 900, 2600. क्या करेंगे इसमें? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे आप? हाँ, पहले ये बैलेंस अनबैलेंस देख लेंगे. तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, टी बैलेंस है ना, यहाँ इक्वल टू लिख दिया गया है. फिर क्या करेंगे? नहीं, कह रहा है मिनिमाइज द कास्ट. मीन्स टू मिनिमाइज द कास्ट यू हैव टू गेट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. जहाँ ऐसे लिख दिया, ऑप्टिमल सोल्यूशन पूछेगा तब ये करेंगे जो आप करने जा बता रहे हैं. जब क्वेश्चन में कहेगा मिनिमाइज द कास्ट, इसका मतलब प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? मैक्सिमाइज होना चाहिए. जब कास्ट मिनिमाइज होगा तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, होगा ना. इसके लिए ये प्रॉब्लम पढ़ाया जा रहा है, मैक्सिमाइजेशन इन द ट्रांसपोर्टेशन कास्ट. क्या करते हैं फिर इस, अभी इसमें आप सबसे जो हाईएस्ट कास्ट होगा उससे बाकी सभी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे. समझ में आ रहा? तो इसके लिए दो लाइन लिखिए, क्वेश्चन लिख लिया हो तो. द अबव द गिवन, लिख लीजिए द गिवन प्रॉफिट मैट्रिक्स, इसको प्रॉफिट मैट्रिक्स बोलते हैं. आपने लिखा भी है मेथड में, इन दिस मेथड ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट फॉर विच द प्रॉफिट मैट्रिक्स इज गिवन. आपने लिखा है तो क्या लिखेंगे? द गिवन प्रॉफिट मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इन टू द इक्विवेलेंट लॉस मैट्रिक्स, इज कन्वर्टेड इन टू इक्विवेलेंट लॉस मैट्रिक्स, लॉस मैट्रिक्स बाई सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द हाइएस्ट एलिमेंट्स, नेमली 8, we have the following matrix. अब इस matrix को convert कैसे करेंगे? Last matrix A, B, C, D1, D2, D3, D4. यहाँ हो जाएगा. अब यहाँ लिखेंगे रिक्वायरमेंट, यहाँ कैपेसिटी, ये है 1000, 700 एंड 900. यहाँ दिस इज
दिस इज 900, 800, 500, 400. So we will convert the profit matrix into loss matrix by subtracting all the cost from the highest cost. Na? तो क्या होगा, सबसे हाईएस्ट क्या है, 8 है, 8 में से 6 जाएगा 2, यहाँ कितना होगा 2, यहाँ कितना होगा 2, यहाँ कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा 6, 4, 3, 3, 2, 1, 0, ये आपने निकाल लिया है. इसके बाद क्या करते हैं, ये लिख लीजिए, इसके बाद क्या करते हैं, हो गया. इसके बाद क्या करते हैं, हाँ अब इसके बाद एज यूजुअल, अब ये इस तरह के क्वेश्चन आप करना जानते हैं, फिर क्या करेंगे आप वैम लगाएंगे, वैम लगाए के बाद, लगाने के बाद क्या इसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे और फिर आप क्या निकालेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे, है ना. तो इसके लिए वैम एक बार लगा लीजिए, ये लास्ट कंटेंट था. वैम लगाने के लिए क्या करेंगे, नाउ नाउ टू सॉल्व या टू फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वी विल अप्लाई, वी विल अप्लाई वैम. वैम लगाएंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें वैम लगा, गुड, पेनल्टी निकाल लीजिए. हियर पहले ये भी दिखा दीजिए, ए आई इक्वल टू पी जे, दैट इज द प्रॉब्लम इज बैलेंस, लिखेंगे ना ये सब. फिर क्या निकालेंगे, शो, सो यहाँ पेनल्टी निकालेंगे, पी वन, थोड़ा जगह नहीं है यहाँ, यहाँ पी टू, पी वन, इसको नीचे लिखते हैं ना, जगह नहीं है, इसको ऊपर ऊपर लिख दिया है. यहाँ पेनल्टी कितना होगा, यहाँ पेनल्टी बताइए, तो दो, यहाँ पेनल्टी कितना होगा, वन, तीन चार है ना, यहाँ भी वन होगा, यहाँ पेनल्टी कितना होगा, वन, यहाँ पेनल्टी फोर, यहाँ पेनल्टी वन, यहाँ यहाँ थ्री होगा ना, जीरो है, जीरो भी तो है, हा? क्या पूछ रही हो बताओ, यहाँ ये ना, इसमें तीन और चार है ना, वो नहीं होगा ना, समझ रहे हो. अब देखें आप, यहाँ फोर मैक्सिमम है ना, तो इसकी डिमांड क्या है, 800 की है ना, इसमें मिनिमम क्या है, फिर मिनिमम देखते हैं ना, उसमें मिनिमम यहाँ और यहाँ है, इसकी डिमांड 800 की है और इसकी सप्लाई 1000 की है, तो ना हो तो यहाँ हम यहीं 800, यहाँ 800 एलोकेट कर दें, क्यों, तो इसके पास बचेगा 100 और ये हो जाएगा 0, कोई दिक्कत, ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. फिर P2 निकालेंगे,
बी टू निकालेंगे तो फिर ये क्या होगा, इसमें क्या होगा पेनल्टी वन, ये डैश हो जाएगा क्यों, यहाँ पेनल्टी तीन, दो से तीन जाएगा, तीन से दो जाएगा एक, और यहाँ जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जीरो हो चुका है, और यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ थ्री हो जाएगा, है ना, और यहाँ पेनल्टी कितना होगा, यहाँ पेनल्टी कितना होगा, दो से चार दो, यहाँ तीन और चार वन, और यहाँ वन, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। अब यहाँ हम करेंगे थ्री है, अब थ्री वाले के पास आएंगे तो यहाँ जीरो जीरो है सबसे मिनिमम, या हंड्रेड एलोकेट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा जीरो, इसका मतलब तो अगला जो पेनल्टी होगा वो क्या होगा, यहाँ डैश हो जाएगा ये ना, यहाँ कितना हो जाएगा टू, और यहाँ कितना हो जाएगा वन, यहाँ कितना हो जाएगा पी थ्री, कितना हो जाएगा पी थ्री, कितना हो जाएगा वन डैश, और यहाँ वन, यहाँ ये 300 हो गया ना, ये हो जाएगा ये जीरो, ये थ्री वन होगा ना बेटा, वन होगा, वन होगा, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक। फिर अब आप टू के रिस्पेक्ट में जाएंगे, यहाँ तो टू के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो टू और टू दो जगह है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे, यहाँ यहाँ डी थ्री में, अच्छा ये वन वन हट हट रिमूव हो चुका है, हाँ तो टू होगा, सॉरी ये टू होगा, ठीक है ना, ये ध्यान आपको रखना है, और ये तभी आज जब खूब प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम का। अब आप देखें टू यहाँ है तो यहाँ 900 है, वहाँ 1000, यहाँ 900 एलोकेट करते हैं, कोई दिक्कत, ये भी जीरो हो गया, यहाँ कितना बच गया 100, ठीक। अभी क्या करें, फिर पेनल्टी निकालें, अब हो जाएगा, हाँ नहीं यहाँ 700 बचा हुआ है तो 500 यहाँ बचा हुआ है, 700 और एक 800, और यहाँ 500 बचा है क्या, कैसा कैसा होगा, नहीं 300 यहाँ बचा हुआ है, 300 यहाँ बचा हुआ है, तो 300 कहाँ कहाँ करेंगे, इसमें अगर करें तो यहाँ मिनिमम में 100 कर देंगे, यहाँ 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये रह नहीं गया, और ये इसमें 100 यहाँ कर दिया तो ये जीरो हो गया, और ये 700 बचा, 700 में 300 यहाँ कर देंगे क्योंकि ये जीरो हो चुका है, 300 यहाँ कर देंगे और 500 यहाँ कर देंगे, 400, हाँ 400 यहाँ ऐसे करेंगे, हो गया। इसके बाद क्या निकालेंगे, आप नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद क्या निकालेंगे, हाँ यू आई वी जे निकालेंगे, फॉर अकुपायड सेल, और फिर फॉर अनऑक्युपाइड सेल फाइंड आउट करेंगे, डेल आई जे निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो हम कहेंगे सोल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल है, और प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमाइज है, समझ में आया, ये नोट कर लीजिए आप, ये नीचे लिखिएगा ये पेनल्टी, और ये पेनल्टी साइड में, जल्दी करिए ख़त्म हो जाए, हाँ हाँ फोटो ले, फोटो ले, ठीक है बढ़िया, बेटा समझ में आ रहा है, आता है पढ़ाते हैं समझ में आता है कि नहीं आता है, ऐसा ना रहे हो चुपचाप बैठो, पूछना खूब जितना पूछना हो, है ना, अब तुम लोग को जब कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, तो ये चीज़ें एकदम मतलब कुछ रह नहीं जाएगा, फिर वहाँ मन नहीं लगेगा पढ़ने में, पढ़ने का कौन सी चीज पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा क्या अब, ये यही नहीं, कन्फ्यूज मत रहो भाई, अभी मत कन्फ्यूज रहो, जैसे बता रहे हैं वैसे करो बस, है ना,
एक कॉन्सेप्ट फॉलो करो। हाँ, अगर वो कहती है गलत है तो बताओ। फिर क्या करेंगे, अब इसको पहले इसको सिंप्लीफाइड वे इस तरह इस फॉर्म में लिख लेंगे, ए बी सी डी वन डी टू डी थ्री डी फोर। तुम भी सेंट एंड्रयूज में पढ़ती हो? डी टी यू में कौन पढ़ा रही थी मैडम? अर्चना कौन? अच्छा, जितेंद्र पढ़ाता है। जी पी से नहीं पढ़ाते हैं? जी पी सिंह क्या पढ़ाते हैं? सेकेंड ईयर नहीं पढ़ा रहे ना? उसमें सबसे बेस्ट टीचर जी पी सिंह है। तुम भी यूनिवर्सिटी पढ़ते हो क्या? ये टू ये फोर जितना सिलेक्शन हुआ है यूनिवर्सिटी में, सबसे अच्छे टीचर, सबसे बिहेवियर बाय नेचर भी, वो जो नेचर उनका है ना, सबसे अच्छे टीचर हूँ अभी तक। नाइन हंड्रेड, एट हंड्रेड, फाइव हंड्रेड, फोर हंड्रेड, यहाँ ये है रिक्वायरमेंट, ये है सप्लाई। हम अब इसमें एलोकेशन देखेंगे। एलोकेशन कहाँ है? एक दो तीन चार पाँच छः लोकेशन है, और एक दो तीन चार सात एम प्लस एन माइनस वन बी सिक्स है। इसका मतलब प्रॉब्लम कैसा है? नॉन डिजनरेट, कन्फर्म? तो यहाँ आप देखेंगे हाँ थोड़ा कम मेहनत करना, 1700 900। अब आप सबसे पहले लोकेशन लिखिए, 900 1000 D3 में 100, ये हो जाएगा D3 में 400, और ये हो जाएगा 300, ये 100, ये हो जाएगा 800। 1 2 3 4 5 6 हो गया है ना। अब आप इसके लिए मैक्सिमम एलोकेशन हर जगह 2 है, तो किसी को भी ये U1 U2 U3 V1 V2 V3 निकालेंगे है ना। किसी को 0 मान लीजिए, 0 मान लिया, तो जब ये 0 हो गया तो ये कितना हुआ? 2। ये कितना हो गया? 2। मानते हैं, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं? ये हो जाएगा C11, C11 इज इक्वल टू U1 प्लस V1, U1 0 है तो V1 C2 जो वैल्यू वही हो जाएगी। अब आप जब ये निकल गया तो इसकी मदद से आप यहाँ निकालते हैं 4 माइनस 2 2 है ना, और 2 2 3 माइनस 2 ये V4 होगा इज इक्वल टू 1। ये भी जब ये 1 हो गया तो 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। नहीं समझे? क्लियर है ना? अब मुझे लग रहा है ये फाइंड आउट करना है, तो ये 2 और माइनस प्लस 1 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इजीली निकल के सब देखो बाबू, देखो फिर लिखिए आप लोग है ना। V1 V2 V3 V4 U1 U2 U3 U4 सॉरी U3 आपने अकुपायड सेल के लिए फाइंड आउट कर लिया। अगला स्टेप क्या करेंगे? अनअकुपायड, फाइंड UI प्लस VJ फॉर अनअकुपायड सेल एंड राइट डाउन लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एंट्री ना सेल। तो सेल के लेफ्ट कॉर्नर पे अगर लिखेंगे 3 होगा और ये 0 होगा तो यहाँ क्या होगा? 3। बताइए, लेफ्ट इधर होगा ना।
अपने लेफ्ट लिखो, यहाँ क्या होगा 1 0 1, समझ में आया? यहाँ देखिए 2 2 4, यहाँ क्या होगा 3, ये ना सॉरी 5 होगा, यहाँ कितना होगा इसके लिए हो गया, यहाँ यहाँ आएंगे तो -1 और 2 1, यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 -1 1, हो गया। और बचा कुछ, सारे सेल फुलफिल हो गए, लेकिन एक जगह इसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया ना, माइनस वन आ गया, नहीं तो सब ठीक था, माइनस वन आ गया, बाकी सब प्लस वन आ रहे हैं, देखिए आ रहे हैं 3। अब यहाँ लिखेंगे हियर डेल 1 2 इज लेस देन 0 शो, है ना, नॉट ऑप्टिमल। फिर क्या करेंगे, वी विल ऐड एंड एडिशनल एलोकेशन फ्रॉम हियर प्लस एक्स, ये प्लस एक्स हमने किया तो अब हम यहाँ आएंगे ईजली, जहाँ से वो बैलेंस हो सके, इस प्लस एक्स को हमने किया तो अगर यहाँ आते हैं बैलेंस, यहाँ के यहाँ आए और यहाँ आए फिर यहाँ आए, किसी तरह से कर सकते हो, यहाँ से यहाँ आ जाओ ऑक्यूपाइड सेल दिख रहा है, यहाँ से यहाँ आ जाओ ऑक्यूपाइड सेल दिख रहा है, अच्छा ये रिको सॉरी यहाँ, तो यहाँ से आप यहाँ आ जाओ ना, यहाँ के बाद यहाँ चले जाओ, है ना, फिर यहाँ चले जाओ, फिर यहाँ चले जाओ, फिर यहाँ चले जाओ, फिर यहाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जैसे भी चाहें आप वैसे आप इजीली रोटेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि यहाँ ऐसे ही होगा, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ के बाद यहाँ चले गए, यहाँ के बाद यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, नहीं समझ में आया? देखिए ये दोनों बैलेंस कर देंगे इस रो को, इस कॉलम को, ये दोनों इस रो को बैलेंस कर देंगे, समझ में आया? ये दोनों इस कॉलम को बैलेंस कर, ये दोनों इस रो को और इसको ये बैलेंस कर देगा, कन्फर्म। तो अब इसमें आप देखें, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कितना हुआ प्लस, ये कितना हुआ माइनस, ये कितना होगा प्लस, ये कितना हुआ माइनस। अब सब सारे माइनस में देखेंगे, यहाँ 800 है, यहाँ 300 है और यहाँ 100 है, तो तीनों में सबसे मिनिमम क्या है 100। अब 100 को आप जहाँ प्लस है वो जोड़ेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ सब्ट्रैक्टेंगे, कोई कन्फ्यूजन है, लिख लोगे ना? तो अगला देखो, यहाँ से फिर लिखेंगे ए, थोड़ा इसके लिए बड़ा बड़ा कॉलम सेल बनाए तो ज़्यादा समझ में भी आएगा और दिखेगा भी ईजिली, D1 D2 D3 D4, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2 2 2 4 4 6 4 3 3 2 1 0, हो गया। अब यहाँ आपको 900 एलोकेशन कर देंगे, है ना, अब यहाँ जो एलोकेशन होगा कितने का हो जाएगा, लिखेंगे मिनिमम ऑफ 100 800 and 300 is equal to 100, सो वी विल ऐड 100 हियर, ना यहाँ 100 जोड़ेंगे, यहाँ 100 घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 100 हो गया, कोई दिक्कत। अब इस 100 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 800 था, यहाँ कितना हो जाएगा 700, कोई दिक्कत, ये 700 था तो यहाँ कितना हो जाएगा 200 ना, 200 ऊपर 200 और इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 500, यहाँ कितना हो जाएगा 0, समझ में आ रहे नहीं आ रहे? अब आप देखें 9 एक
1000 हो जाएगा, 5 2 700 हो जाएगा और 7 2 900 हो जाएगा, ये 900 और ये 800 और ये 500 और 700 400 पहले हो गया ना। फिर उसी तरह से बिल्कुल एज इट इज क्या करेंगे आप, यू आई भी जे पुनः निकालेंगे, फिर ये U1 U2 U3 V1 V2 V3 होगा, कोई दिक्कत यहाँ। अब अगर ये फिर 0 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 बताओ होगा नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 2 क्योंकि ये 0 है, ये कितना हो जाएगा, इसको इसके लिए भी निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, अब इसके इसके लिए अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, मानते हो, और ये V4 अगर ये 0 है तो ये 0 होगा, कोई दिक्कत, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बोलो होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं होगा, अरे 4 से 3 जाएगा 1 आएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देख लो फिर ऐड कर लो 2 और 3 5, फिर क्रिएट हो रहा है, फिर माइनस होना जाएगा, 3 और 2 5 और 2 और 1 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा 3, यहाँ लिखेंगे तो 2, यहाँ लिखेंगे तो 1 1। अब देखो कई जगह आ रहा है 0, कई जगह निगेटिव आ जाएगा, यहाँ माइनस होना जाएगा, यहाँ माइनस होना जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, कन्फर्म, और ये 1 आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस दो जगह है, तो जो मिनिमम कास्ट होगा वहाँ फिर पुनः हुआ काम करेंगे, प्लस ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट, ये तब तक प्रोसेस करेंगे जब तक कि सारे पॉजिटिव ना आ जाए। अगर यहाँ हम प्लस करें यहाँ प्लस करें फिर यहाँ जाएं, और क्या हो सकता है यहाँ के बाद यहाँ आए, यहाँ जाएं और यहाँ जाएं ना, तो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, नहीं क्यों, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ आएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ जाएं फिर जाएं, ऐसा तो नहीं फिर वही आ जाएगा। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, फिर वही लूप बन जा रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है इसमें, इसी में तो कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है, जोड़ने घटाने में कहीं ऐड करने में यही गड़बड़ तो नहीं हुआ है, पूरा पैंट खराब हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक बार ट्राई करिएगा, मुझे लगा कहीं यही गलत तो नहीं हुआ जोड़ने घटाने ऐड करने में, क्या हुआ, एक बार करिए घर जाके ना, और बताइएगा अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो, फिर देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है आपकी बुक में, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 10 है ना, 9 से ही शुरू है ये, 9 10 11 12 13 14 13 तक है 13 15 तक है,
15 भी है। ये 15 तक है, 4-5 क्वेश्चन है इसमें, इसको 6 क्वेश्चन है, करिएगा और हमें बताइएगा क्या दिक्कत आ रही है ना, फिर देखा जाएगा आगे। अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो आगे पढ़ा जाएगा, नहीं तो फिर इसी को सॉल्व करवाया जाएगा। सॉल्व करके और एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा, सब लोग देख लेंगे, कोई कन्फ्यूजन होगा तो लोग रिएक्ट करेंगे, है ना, और बताइएगा कोई कन्फ्यूजन तो हमको बताइएगा, हम उसको सॉल्व करके डाल देंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो आज ये ख़त्म हो गया, लास्ट अगले टर्म में पढ़ाएंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम तरह का है। असाइनमेंट प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को पता है क्या अंतर है? असाइनमेंट में हम वर्क असाइन करते हैं, जैसे यहाँ हम सामान भेजते थे वहाँ मैन पावर भेजेंगे, असाइंड करेंगे, हाँ बस और कुछ नहीं है। थोड़ा सा चेंज है, मेथड वगैरह चेंज है, लेकिन अगर आपने ये कंटेंट समझा है तो वो आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक देखिएगा, फिर मिलते हैं अगले टर्न पे। असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, 4 बंद करो, असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।